नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम स्टडी करेंगे और इस प्रोग्राम से आपके फंक्शन टॉपिक के बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है कि हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करनी है फंक्शन का यूज करके। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत बिल्कुल सिंपल एक सी प्रोग्राम की तरह ही होगी। सबसे पहले हम फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, हैज इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब क्या करते हैं हम फंक्शन टॉपिक में, हम सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के जो जो रूल हैं, आप उन सभी रूल्स को ध्यान में रखेंगे। अगर आपने एक भी चीज़ में गलती कर दी, जैसे आपने सेमी कोलन नहीं लगाया, तो आपका सारा का सारा प्रोग्राम गलत माना जाएगा। हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका रिटर्न डाटा टाइप है void। फंक्शन का नाम है स्वैप कॉल बाय वैल्यू। अब हम इसका नाम फंक्शन का कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वैलिड नेम, लेकिन ज़्यादातर हमें वो नाम रखना चाहिए जिससे हमें जो काम करना है, यानी हमें जैसे यहाँ पे वैल्यू को स्वैप करना है, तो फंक्शन अपना काम खुद बता रहा है अपने नाम से कि मैं क्या काम करूँगा। हमें कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे उसका जो काम है वो डिफाइन हो। अब हम आर्ग्यूमेंट में इंट और इंट लिख रहे हैं, इंट कोमा इंट, पैरेंथेसिस में हम लिख रहे हैं इंट कोमा इंट। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, इंट ए कोमा इंट बी। तो ये रूल है कि हम आर्ग्यूमेंट का चाहे तो हम उसका नाम स्किप कर सकते हैं। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करें तो अगर हम चाहें तो हम आर्ग्यूमेंट का नाम स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ वहां पे डाटा टाइप डाल सकते हैं। अब प्रोग्राम की शुरुआत होती है इंट मेन। हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल बना रहे हैं ए और बी। दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और ए को वैल्यू हम इनिशियलाइज करा रहे हैं 1, बी को करा रहे हैं 2। प्रिंट एफ, हम प्रिंट एफ का यूज कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि शुरुआत में मेन फंक्शन में ए और बी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2। फिर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नेम, और हम इस तरह से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। याद रखिए, फंक्शन को जब भी आप कॉल करेंगे तो आप तब भी सेमी कोलन का यूज करेंगे। फिर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, जैसे वो प्रोग्राम का कंट्रोल जो होगा वो यहाँ पे जब आएगा, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो कॉल है वो फंक्शन की बॉडी पे चला जाएगा, फिर पहले फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही फंक्शन की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट है, जैसे ही वो सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद दोबारा फिर कंट्रोल जो होगा यहाँ पर आएगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट पर। अब फंक्शन की जो बॉडी है उसके दो पार्ट होते हैं, फंक्शन हैडर और फंक्शन बॉडी। फंक्शन हैडर और फंक्शन डिक्लेरेशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन है उसमें आप सेमी कोलन का यूज करते हैं, जबकि फंक्शन हैडर में आप सेमी कोलन का यूज नहीं करेंगे। तो हम फंक्शन डेफिनेशन जो होती है, फंक्शन की जो बॉडी होती है, उसमें क्या लिखते हैं कि फंक्शन का क्या काम है, फंक्शन किस तरह से अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन बॉडी में क्या कर रहे हैं, हम टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका डाटा टाइप है इंट। हमने टेम्प नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने क्या किया, हमने लिखा टेम्प इज इक्वल टू ए, यानी ए की जो वैल्यू थी वो हमने टेम्प नाम के जो हमने वेरिएबल बनाया था उसमें डाल दी। अब ए में हम क्या करेंगे, ए में हम डाल देंगे बी की वैल्यू, और बी में हम डाल देंगे ये जो टेम्प की वैल्यू थी, टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो हम डाल देंगे बी में। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, तो जो ए की वैल्यू है उसको हम टेम्प में डाल रहे हैं, बी की वैल्यू को ए में डाल रहे हैं, और टेम्प की वैल्यू को बी में डाल रहे हैं। और उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं कि फंक्शन के अंदर ए की और बी की क्या वैल्यू है। तो अब हमने जैसे यहाँ पे आप मान सकते हैं ए की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू थी 3। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम जो हमने ए की वैल्यू 1 ली है, हम वही लिख लेते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। और हमने जैसे एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्प में हम सबसे पहले ए की वैल्यू डाल रहे हैं, वो क्या हो गई, अब टेम्प के पास क्या वैल्यू चली गई 1। फिर हम ए में बी की वैल्यू डाल रहे हैं, ए के पास अब क्या चली गई वैल्यू, जो बी की वैल्यू थी 2। अब दोबारा फिर हम बी में टेम्प की वैल्यू डाल रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए बी के पास, यानी टेम्प के पास क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू है अब यहाँ पे, यहाँ पे है 1, तो बी में हम डालेंगे 1, टेम्प की वैल्यू है 1। और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू अब है यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी 2 और बी की वैल्यू प्रिंट होगी 1।
अब जैसे ही ये फंक्शन बॉडी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी, दोबारा फिर कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेन फंक्शन में कि जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया था उसके बाद फाइनली मेन फंक्शन में दोबारा फिर ए और बी की क्या वैल्यू है, तो मेन फंक्शन में दोबारा फिर ए और बी की वही वैल्यू है जो शुरुआत में थी, यानी जो हमने डिक्लेयर की थी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, जो हमने शुरुआत में वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी वही वैल्यू है मेन फंक्शन में अब भी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, वो हम कॉल बाय वैल्यू मेथड में पढ़ चुके हैं कि जो कॉल बाय वैल्यू मेथड है उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअल वेरिएबल यूज नहीं होते कॉल्ड फंक्शन के द्वारा। इसमें कॉल्ड फंक्शन क्या करता है, कॉल्ड फंक्शन वेरिएबल की कॉपी यूज करता है। तो जो कॉल्ड फंक्शन जो भी पैरामीटर्स में चेंज करता है वो चेंज सिर्फ और सिर्फ उस कॉल्ड फंक्शन के अंदर ही रिफ्लेक्ट होते हैं, उनका मेन फंक्शन पे कोई भी प्रभाव, कॉलिंग फंक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे जैसे पैरामीटर्स में चेंज हुआ था कॉल्ड फंक्शन में, तो उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ यहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना कि कॉलिंग फंक्शन पर। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, शुरुआत में मेन फंक्शन में ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू थी 2, अब फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू हो गई 1। दोबारा फिर जब लास्ट में दोबारा फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे कॉलिंग फंक्शन में, तो ए की वैल्यू 1 ही होगी और बी की वैल्यू 2 ही होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कॉल्ड फंक्शन में जो भी चेंज होंगे कॉल बाय वैल्यू मेथड में, वो सिर्फ कॉल्ड फंक्शन में ही रिफ्लेक्ट होंगे, ना कि कॉलिंग फंक्शन में। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने बहुत से डाउट्स क्लियर किए फंक्शन टॉपिक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।